हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक पास्कल्स लॉ के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में और आगे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में या एंट्रेंस के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका डेफिनेशन, इसके डेरिवेशंस और इसका कंसेप्ट जो रहता है वो समझना ज़रूरी होता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, पास्कल्स लॉ आखिर होता क्या है और उसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में होता है, उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो पास्कल्स लॉ है वो आया कैसे, उसका डेरिवेशन बना कैसे और फिर उसके बाद यूज़ कहाँ पर किस लिए कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो एग्जाम्पल चालू करते हैं। पहले पास्कल्स लॉ मीन्स वो इंडिकेट क्या करता है। तो सबसे पहले पास्कल लॉ है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो मैं पहले आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको लॉ लिख के बताता हूँ। सपोज देयर इज अ फ्लूइड, यहाँ पर एक पानी पानी का लेयर है जो कि कांस्टेंट है, मतलब वो पानी का लेयर को मूव नहीं किया, जो पानी है वो रेस्ट में है, फ्लूइड रेस्ट में है। ये पास्कल्स लॉ खाली वैलिड है उसके लिए जहाँ पर फ्लूइड रेस्ट रहता है। फ्लूइड अगर मोशन में है तो ये पास्कल्स लॉ वैलिड नहीं होंगे। तो जहाँ पर फ्लूइड रेस्ट पे है और कोई मोशन नहीं है फ्लूइड का, वहाँ पर पास्कल्स लॉ वैलिड है। तो सपोज देयर इज अ फ्लूइड एट रेस्ट, उसके बीच में एक बॉडी है ऑफ एनी मास, मास डेंसिटी जो भी उस बॉडी का है। तो फ्लूइड रेस्ट पे है, बीच में एक बॉडी है, तो उसके बॉडी पे जो प्रेशर होगा एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, वो प्रेशर बॉडी पे तीनों जगह से जो लगेगा वो सेम रहेगा। चाहे एक्स डायरेक्शन में वो प्रेशर हो या वाई डायरेक्शन में हो या जेड डायरेक्शन में, वो तीनों कौन से भी पॉइंट से प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा। तो पास्कल लॉ ये डिनोट करता है कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, सिर्फ फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा तभी ये वैलिड है, इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, मीन्स बॉडी के कौन से भी साइड से, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन से, कौन से भी साइड से जो प्रेशर का इंटेंसिटी रहेगा वो बॉडी पे सेम रहेगा अगर फ्लूइड रेस्ट में है। तो उसका जो डेरिवेशन है वो है पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन एक्स वाई, इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, इन इन जेड डायरेक्शन इज सेम। अब ये डेरिवेशन, ये जो लॉस है ये आया कहाँ से डेरिवेशन, तो आज उसके बाद डेरिवेशन हम देखेंगे कि डेरिवेशन से आया कैसा। ये सपोज ये एक फ्लूइड है, एलिमेंट है, उसका हम लेयर लेंगे, ए बी सी, और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऐड कर रहा है ये बॉडी पे, ये फ्लूइड एलिमेंट है। ये एक्स डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये फ्लूइड एलिमेंट है। हम लोग ने डेरिवेशन के लिए इसको एक कंसीडर किया एलिमेंट को, इस एलिमेंट से डेरिवेशन डिराइव करेंगे। अभी हमको ये तो पता है कि सिंस द फ्लूइड इज एट रेस्ट, हमारा जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे है, तो देयर फॉर फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम देखेंगे तो हमारा जो समीशन ऑफ एफ एक्स और समीशन ऑफ एफ वाई वो हमारा जीरो होगा, मतलब समीशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड प्लस समीशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन वो हमारा जीरो होगा। तो हमारा फोर्स पहले एक्स डायरेक्शन का लेते हैं, समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो हमारा एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स कौन सा है, एक पी एक्स है और माइनस पी जेड, ये इधर एंगल थीटा है। अभी ये हमारा जो फोर्स है पी जेड ये एक्चुअली इंक्लाइन में है, लेकिन हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में करना है। तो इसका हम एक छोटा सा डायग्राम निकालेंगे, ये थीटा ए बी सी, ये पी जेड है,
अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पी जेड, तो ये एंगल इधर थीटा है, मीन्स इधर भी थीटा होगा, फिर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये ऑटोमेटिकली थीटा हो जाएगा, तो हमारा एंगल मिल गया। तो ये हो गया पी जेड कॉस थीटा, ये हो गया पी जेड साइन थीटा। तो हमको ये जो नॉर्मल था डायगोनल को, ये डायगोनल फोर्स था, तो वो नॉर्मल था, हमने उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया एंगल से। तो ये अभी लिख देंगे पी एक्स एक हॉरिजॉन्टल था प्लस, और ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है इसके लिए माइनस, तो माइनस पी जेड साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। अभी ये हमारा क्या हो गया, प्रेशर हो गया। अभी फोर्स, ये सबमिशन ऑफ फोर्स हम लोग ने लिखा है, सबमिशन ऑफ फोर्स इक्वल जीरो। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर ने हम लोग ने लिखा है, लेकिन एरिया भी किस एरिया पे एक्ट कर रहा है वो एरिया लिखना है, तो एरिया हो गया। अभी हमारा पी एक्स है वो कौन से एरिया पे एक्ट कर रहा है, ए सी, तो एरिया हो जाएगा ए सी इंटू पी एक्स माइनस पी जेड कौन से एरिया पे एक्ट कर रहा है, ए बी, ए बी, ये हो गया पी जेड साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर ए बी पी एक्स इक्वल टू, सॉरी सी, ए सी इक्वल ए बी पी जेड साइन थीटा। अभी साइन थीटा, अभी साइन हमको क्या करना है, हमको पी एक्स पी जेड पी वाई ये ऐसा सेम लाना है, मतलब बाकी सब ए सी ए बी साइन थीटा कैंसिल करना है। तो इधर से हम साइन थीटा का फॉर्मूला हमको पता है, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो मीन्स ए सी अपॉन ए बी, तो इधर साइन थीटा की जगह पे हम ए सी अपॉन ए बी लिखेंगे, तो देयर फॉर ए सी पी एक्स इक्वल टू ए बी पी जेड। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ए सी अपॉन ए बी, ये हमारा ए बी ए सी कैंसिल हो गया, हमको इक्वेशन मिला पी एक्स इक्वल टू पी जेड, ये इक्वेशन वन। अभी वर्टिकल डायरेक्शन के लिए देखेंगे हमारा फोर्स, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन से फोर्स है, एक पी वाई है माइनस पी जेड कॉस थीटा। अभी ये भी प्रेशर है, एरिया पे एक्ट हो रहा है, एरिया इक्वल टू ज़ीरो। अभी पी वाई कौन से एरिया पे एक्ट हो रहा है, बी सी, तो बी सी इंटू पी वाई माइनस पी जेड कौन से एरिया पे एक्ट हो रहा है, ए बी, ए बी पी जेड कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो। सेम बी सी पी वाई, उसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी पी जेड कॉस थीटा। अभी सिमिलरली जैसे हमने इसमें साइन थीटा को सब्सटीट्यूट किया था हाइपो अपॉन अपोजिट, इसमें सेम कॉस थीटा को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो मीन्स बी सी अपॉन ए बी, बी सी पी वाई इक्वल टू ए बी पी जेड। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बी सी अपॉन ए बी, ये कैंसिल हो गया हमारा बी सी बी सी ए बी ए बी, बचा क्या हमारा पी वाई इक्वल टू पी जेड। फ्रॉम वन एंड टू, इक्वेशन वर वन और टू से हमें क्या मिला कि पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड, ये होता है हमारा पास्कल्स लॉ, मीन्स जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बॉडी के एक्स वाई जेड डायरेक्शन से जो लग रहा था वो हमारा सेम रहेगा। अभी हमने डेरिवेशन तो डिराइव कर लिया, हमको लॉस पता चल गया, उसके फॉर्मूले पता चल गया, अब इसका एप्लीकेशन, ये यूज किधर होता है, इसका यूज हाइड्रोलिक जैक, ये जो गाड़ी उठाने के लिए काम होता है, या ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, गाड़ी में जो ब्रेक मारते हैं उसमें जो फ्लूड रहता है, वो फ्लूड को जब हम पंप करते हैं तो वो इधर प्रेशर डालता है ब्रेक पैड के ऊपर, जिसकी वजह से टायर पे अपने ब्रेक लगता है। और हाइड्रोलिक जैक, किसी कार को उठाना रहता है तो हम एक साइड से लिक्विड को प्रेस करेंगे, वो सेम फोर्स अप्लाई होएगा उधर जहाँ पर गाड़ी के नीचे स्टैंड होगा और वो गाड़ी को लिफ्ट करेगा। तो ये दोनों उसके एप्लीकेशन है, और भी उसके एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक जैक, ब्रेकिंग सिस्टम, और जहाँ जहाँ लिक्विड यूज़ होता है, मोस्टली गाड़ी में यूज़ होता है, तो ये सब एप्लीकेशन पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन है। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। इसमें से अगर आपको कुछ भी अंडरस्टैंड, जो कॉन्सेप्ट्स या कुछ थियरी या फॉर्मूला अगर कुछ नहीं समझा होगा तो आप कमेंट में पोस्ट कर दीजिए, आपको
डाउट क्लियर कर देंगे। और अगर ये वीडियो अगर आपको जैसे आपके हिसाब से अगर आपको नहीं समझा या कुछ आपको इसमें डाउट हो रहा है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, तो आप पोस्ट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको दूसरा एक मेथड है उससे आपको इजीली समझा दूंगा, वो इससे भी ईजी है। सो थैंक यू।